नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। आपकी खबर, आपका फायदा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा खास शो है रिव्यूज के खेल पर नकेल। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स साइट पर रिव्यू देखकर शॉपिंग करते हैं तो चौकन्ने हो जाइए। हो सकता है कि आप फेक रिव्यू का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, फेक रिव्यू। कई बार जब आप कोई उत्पाद खरीदते हैं ई कॉमर्स पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन, तो आप पहले रिव्यू चेक करते हैं, रेटिंग चेक करते हैं। आपको लगता है कि रेटिंग बहुत अच्छी है, रिव्यू बहुत अच्छा है, तो ये सामान खरीद लो। लेकिन आप इसके जाल में फंस सकते हैं, क्योंकि अब और इसीलिए अब फेक रिव्यूज पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। इसके लिए सरकार तमाम ई कॉमर्स कंपनियों और एक्सपर्ट्स से बातचीत भी कर रही है, ताकि कस्टमर्स के हितों की रक्षा की जा सके। आज हम फेक रिव्यू के फैले इस मकर जाल पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि फेक रिव्यूज का खेल कैसे चलता है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, और साथ ही इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ये काम किस तरह से किया जाता है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आमतौर पर होता है कि हम ई कॉमर्स साइट पर जब खरीदारी करते हैं तो प्रोडक्ट का रिव्यू भी देखते हैं, रिव्यूज देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इन रिव्यूज पर भरोसा कर शॉपिंग भी कर लेते हैं। लेकिन क्या ये रिव्यूज ऑथेंटिक होते हैं? जवाब नहीं में होगा, क्योंकि यूरोपियन कमीशन ने इन रिव्यूज को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उसने 223 मेजर ई कॉमर्स साइट के ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यूज की जाँच पड़ताल की और पाया कि इनमें से 144 यानी 55% वेबसाइट्स पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि लिखे गए रिव्यूज असली हैं या नकली। ऐसे में सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। गुमराह करने वाले फेक रिव्यूज पर सख्ती दिखाते हुए फ्लिपकार्ट, अमेजोन, रिलायंस रिटेल समेत कंज्यूमर फोरम, फिकी, CII और कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट के साथ बातचीत की है। सरकार का मकसद गुमराह करने वाले फर्जी रिव्यूज के जंजाल से कस्टमर को छुटकारा दिलाना है। आपको बताते हैं फेक रिव्यूज का पूरा खेल। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम ग्रुप्स मिल जाएंगे जो पैसे लेकर रेटिंग का कारोबार करते हैं। रिव्यूज देने की अलग अलग मोडस ऑपरेंडी होती है। कुछ में पहले पेड रिव्यूअर को ई कॉमर्स साइट से एक प्रोडक्ट खरीदना होता है, जिसके पैसे बाद में वापस कर दिए जाते हैं। कई बार किसी प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है, जिसके बदले रिव्यू देने वाले को अच्छी रेटिंग देनी होती है। ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो पेड फेक रिव्यूज का काम करती हैं। ये सारा काम अधिकतर वर्क फ्रॉम होम के जरिए होता है। आपको बताते हैं कि फेक रिव्यूज की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर फेक रिव्यूज में 5-स्टार रेटिंग के साथ टू गुड या आई लाइक इट जैसी लाइनें लिखी होती हैं। इसके अलावा किसी प्रोडक्ट पर अच्छी रेटिंग के साथ एक ही वक्त में बहुत ज्यादा रिव्यूज दिख रहे होते हैं। ऐसे रिव्यूज के फर्जी होने की आशंका ज्यादा होती है। कुछ ऐसे रिव्यूज भी आपको मिल जाएंगे जिसमें प्रोडक्ट के बजाय रेटिंग और अच्छी टाइमिंग पर डिलीवरी के साथ नाइस प्रोडक्ट लिखा होता है। अमूमन ये पेड रिव्यूज होते हैं। फेक रिव्यूज के नुकसान की बात करें तो लोग इसके चक्कर में खाए, क्योंकि फर्जी रेटिंग वाले प्रोडक्ट सर्च इंजन में ऊपर दिखाई देते हैं। इसका नुकसान अच्छे प्रोडक्ट और दूसरी कंपनियों को उठाना पड़ता है। और तो और, ऐसे रिव्यूज पर धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा कम होने लगता है। लेकिन अब सरकार ने फेक रिव्यूज पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है, ताकि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं बिजॉन मिश्रा साहब, जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, जाने माने। हमारे साथ सुधीर जुड़ रहे हैं, सुधीर मेहरा साहब सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन के। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं अभिषेक व्यास, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं myhallstore.com के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल बिजॉन मिश्रा जी आपसे होगा। सर, ये मामला बड़ा गंभीर है और आजकल जितने भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं इस फेक रिव्यू के ट्रैप में आ जाते हैं। तो आप चूंकि बहुत लंबे वक्त से कंज्यूमर के सेंटिमेंट को समझ रहे हैं, ऐसी बातों को आप देखते आए हैं, सर आपका पहला कमेंट इस मुद्दे के ऊपर क्या होगा? कितना बड़ा गंभीर मामला है ये फेक रिव्यू वाला? सर, ये एक्चुअली बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि आप धोखा दे रहे हो लोगों को। यू सी, फेक रिव्यूज आप जब अपने वेबसाइट में लाते हो तो ये क्लियरली एक डेफिनेशन में आ जाता है
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विच इज डिफाइंड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आप डिसेप्टिव मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को दे रहे हो। ये बहुत ही यू नो घृणीय चीज है कि लोगों को इस ढंग का, मतलब आप व्यापार करने के लिए इस ढंग का अपनाएंगे जो सही रिव्यू दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं, हर कंज्यूमर जब कोई भी प्रोडक्ट और सेवा को खरीदते हैं वो विश्वास के साथ उस ब्रांड को खरीदता है, और जब उस ब्रांड को वो खरीदता है और जब रिव्यू पे वो लक्ष्य रखकर वो अपना डिसीशंस लेते हैं प्रोडक्ट्स का, और उस समय उनको पता लगता है कि उनके साथ धोखा हो गया है, उनको मिसलीड कर दिया है, उनको डिसेप्टिव एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो वो बिल्कुल बहुत लाचार केवल नहीं लेकिन वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं उस ब्रांड के साथ। और इसको लेकर अब सरकार जो नियम लाए हैं, जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास ऑलरेडी कानूनी रूप से उनके पास हक है कि वो फाइन कर सकते हैं, पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, और ये जो चर्चा कर रहे हैं सरकार वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग ये कह के निकल जाएंगे कि नहीं ये सच है, लेकिन एविडेंस के तौर से क्या, किस ढंग से हम एविडेंस लाएंगे कि वो व्यक्ति कौन है जो रिव्यू किया था, उनके साथ आपका क्या संबंध है, आपने उनको कितने पैसे दिए थे ये फेक रिव्यू लिखने के लिए, ये सारे जांच और इन्वेस्टिगेशन का एक रूप आ जाता है, ठीक है, इंक्वायरी की रूप बनता है। तो सीसीपीए के पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स भी है और जिसको लेकर वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और दंड दे सकते हैं जो फेक रिव्यू अपना रहे हैं। ठीक बात है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत गंभीर मसला है ये, तो अब जरा अभिषेक जी आप बताएं सर, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये खेल चलता कैसे है, मतलब मॉडस ऑपरेंडी क्या है सर इसका, जब ये फेक रिव्यू का हम जिक्र कर रहे हैं तो ये पूरा खेल किस तरह से चलता है सर सिस्टम के अंदर? देखो सर, अगर बात करें अगर फेक रिव्यूज की, तो अपन को देखना पड़ेगा कि मार्केट शेयर्स कौन सी कंपनीज होल्ड करके रखी हुई है। कोई बड़ी कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी मार्केट शेयर है 50% से ऊपर है, कोई नया ब्रांड अगर कोई मार्केट में लॉन्च होता है तब वो अपने आप को जब रिव्यूज देने लगता है तो अपने आप को रिव्यू दिलवाने लगता है, तो बोलता है कि अच्छा मेरे को मतलब मेरे को सबसे ज्यादा टॉप पे आना है क्योंकि मेरा अभी नया लॉन्च प्रोडक्ट है, तो वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी अदर वेबसाइट पे जाके मतलब अपने फैमिली फ्रेंड या उनको पैसा देके बोलते हैं कि आप लोग मेरे प्रोडक्ट पे रिव्यू करो, तो उनकी प्रोडक्ट रैंकिंग ऊपर आने लग जाती है। तो मतलब ये पहली चीज तो ये होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको फ्री, अगर आपको प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना है तो पहले आपको एक दूसरी सर्विस दो जो कि फ्री सैंपलिंग के थ्रू से आपको, आप लोगों को प्रोडक्ट दे सकते हो। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हो, फ्री सैंपलिंग करो पहले उस चीज की, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। अगर इसकी बात करें कि मतलब किस तरह से ये वेरीफाइड रिव्यूज आते हैं, तो मतलब मैंने क्या किया, अगर मैं एक ब्रांड हूँ, मैंने किसी कंपनी को बोला कि आप मेरा प्रोडक्ट अमेजोन से बाय करो, बाय करने के बाद में मैं आपको आपका पैसा रिफंड कर दूंगा और आप मुझे रिव्यू गंभीर जा रहा है। छोटी जो ब्रांड्स नई डी2 चाह रही है कि अगर मैं भी कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ अच्छे रिव्यूज देख के और वो प्रोडक्ट मुझे खराब मिल जाता है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज नहीं हो रही मार्केट में। ठीक बात है। अब सुधीर जी एक बात आप बताएं सर कि आखिर ये फेक रिव्यूज क्यों, मतलब क्या मतलब अगर मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जब फेक रिव्यूज की बात आ रही है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी से समझौता किया जाता है, और अगर क्वालिटी आपकी कमजोर है तभी आपको फेक रिव्यू की जरूरत पड़ती है, तो आखिर एक्चुअल फीडबैक से या सही फीडबैक से डर क्यों लगता है सर? ये जो सारा सिस्टम चल रहा है ना, इसको पहले थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज क्या है कि बायर जब प्लेटफॉर्म पे बाय करने आता है तो वो बाय करने आता है कि उसको चीज सस्ती मिलेगी, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, आदिदास के जूते हो गए, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि 1,000, 2,000, 5,000 तक की चीज वो वहां से ऑनलाइन जाके ले लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज उसमें डुप्लीकेसी की ज्यादा चांस नहीं है, बिकॉज दे आर बिग ब्रांड्स, एप्पल ले लो, सैमसंग ले लो, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके कपड़े हैं, जो आपके जूते हैं, जो आपका घर का सामान है, उसमें काफ़ी सारा जो है माल डुप्लीकेट भी होता है उसके अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हो जाती है कि बायर जब बाय करता है वो प्लेटफॉर्म पे जाता है कि यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा और मुझे चीज़ सस्ती मिलेगी। अब अगर आपको कोई चीज़ नॉर्मल रिटेल स्टोर में 1,000 रुपए की मिल रही है और यहाँ आपको 500 की मिल रही है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें हेर फेर होगा,
बिकॉज लॉजिक उसका ये है कि 30 से 35% ये प्लेटफॉर्म वाले अपना मार्जिन रखते हैं, इसके अंदर इनके इनके प्रॉफिट्स और लॉजिस्टिक कॉस्ट और बिलिंग के कॉस्ट, गुड्स रिटर्न हो उसकी कॉस्ट, वो सब उसमें वो सब उसके अंदर आती है. तो जो चीज़ सस्ती है वो अच्छी है ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अब क्या होता है कि जो लोग ये काम करते हैं डुप्लीकेट का, वो चाहते हैं कि उनका माल ज़्यादा बिके, तो एक पूरा सिंडिकेट बना हुआ है. ये सिंडिकेट का काम ही ये है कि ये सारे का सारा आपके पास, आपको अप्रोच किया जाता है कि भाई हम आपको इतने रिव्यूज़ देंगे, हर रिव्यू का हम आपको चार्ज करेंगे, और वो हर तरह का जो कि गलत तरीका है वो इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है कि यहाँ तक होता है कि हम आपको पैसे भी देंगे अगर आप रिव्यू दोगे. तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो जो बायर है वो चक्कर में फंस जाता है, और वो भी रिव्यू देता है, अच्छा रिव्यू देता है कभी गलत चीज का. लेकिन ये कार्टेल के पास पूरे सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि मल्टीपल रिव्यूज दिए जा सकते हैं, एंड इट इज हाई टाइम दैट गवर्नमेंट शुड टेक मेजर एक्शन. या तो वो आईपी एड्रेस चेक करें कहां से ये आ रहा है, और ये सारी की सारी शनाख्त पूरी तरह से होनी चाहिए. ये बहुत जरूरी है बिकॉज ये बहुत गलत तरीका है माल बेचने का. बिकॉज अच्छा, आप उसको माल को टच या फील तो करते नहीं हो, आप सिर्फ फोटो देखते हो और माल माल आप खरीद लेते हो. ठीक बात है. ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये बड़ा बड़ा रैकेट है जो चल रहा है ताकि अपना अपना मुनाफा यहाँ पर बढ़ाया जाए और कंज्यूमर को चूना लगाया जाए. लेकिन अब बिजॉन मिश्रा जी, मेरा अगला, चूंकि पहले दौर में हमने ये जानने की कोशिश की कि ये पूरा खेल चलता कैसे है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है. सरकार तो गंभीर है अपनी अपने स्तर पे, लेकिन एक कंज्यूमर के लेवल पे मैं मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदता हूँ, तो मैं कैसे फेक रिव्यू को पहचान सकता हूँ? क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिसको देखकर समझकर हम ये जान पाए कि हाँ ये रिव्यू फेक हो सकता है और इससे हमें बचना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट इसी पे सरकार को जोर देना चाहिए. एक अच्छा रोबस्ट सर्वेलेंस मैकेनिज्म लाना चाहिए, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लगाना चाहिए कि आप यदि रिव्यू दे रहे हो तो यदि उसमें स्टार मार्क होगा तो वो रिव्यू सही है. क्यों? क्योंकि सरकार ने उसको जांच किया है कि वो एक्चुअली जो रिव्यू दे रहा है वो सही कंज्यूमर है कि नहीं, वो गलत नहीं हो. और हर समय ये समझना होगा कि हम यदि कोई रिव्यू देते हैं जो नेगेटिव भी है प्रोडक्ट का, वो भी डिस्प्ले होनी चाहिए. हमारे देश में वो नहीं होता है. यू सी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यदि कोई भी नेगेटिव रिव्यू देते हैं तो वो नेगेटिव रिव्यू नहीं डिस्प्ले करते हैं इस व्यापारी लोग, और ये केवल जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए नहीं, जो इवन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं वो भी कस्टमर फीडबैक को ऑनेस्टली नहीं डिस्प्ले करते हैं. जिसके चलते हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा सर्वेलेंस मैकेनिज्म सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी निकालें, ताकि उस सर्वेलेंस मैकेनिज्म में हम लोग पकड़ सके कि कौन सा फेक है कौन सा फेक नहीं है, और कंज्यूमर को सही ढंग से अवेयर करें, एजुकेट करें कि आप जब तक वो सर्टिफिकेशन नहीं देखोगे सीसीपीए का, आप उस रिव्यू को मत मान्यता दीजिए. ठीक बात है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यदि गलत लोगों को मान्यता देने लग जाओगे तो क्या होगा कि ये फैलने लगेंगे एक डिजीज के जैसा, एक वायरस जैसा फैल जाएगा जो फैल रहा है हमारे देश में. ठीक है, तो इसको तुरंत बंद करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाना चाहिए. ओके, ये आपका सुझाव है कि सरकार को क्या करना चाहिए ताकि फेक रिव्यू को रोका जा सके. लेकिन अभिषेक जी, सरकार ने मीटिंग भी बुलाई और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हो रही है, लेकिन आप जरा बताएं, चूंकि आप तो देखते रहते हैं, आप तो डील करते हैं ऐसी चीजों से, आप जरा बताएं सर कि कैसे पकड़ा जाए. मैं मतलब अगर मैं एक आम कंज्यूमर, एक आम कस्टमर हूं, मैं ऑनलाइन में खरीदने जा रहा हूं, कुछ चेक एंड बैलेंस मैं अपने लेवल पे कर सकता हूं क्या, ताकि मैं बहुत हद तक बच पाऊं या समझ पाऊं कि हाँ ये रिव्यू फेक है या ये रिव्यू जेन्युइन है? So, अगर अपन कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, अगर कोई ऑनलाइन अपन प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज कितने हैं, जो फर्स्ट चेक है हमारा. मान लो अगर 100 अगर पॉजिटिव रिव्यू दिख रहे हैं और 2 ही नेगेटिव रिव्यू दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सारे फेक रिव्यू है. क्योंकि हमेशा कोई प्रोडक्ट का अच्छा ही अच्छा नहीं होता है, 60% और 40% पे मार्केट चलता है. 60% या तो अच्छा होगा या 60% खराब होगा. अगर आप 100% ही पॉजिटिव रिव्यू देख रहे हो, 4.5 रेटिंग देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि 100% आपका फेक रिव्यू वाले प्रोडक्ट है. तो आपको पहला चीज तो वहां बचना चाहिए. दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपके जो रिव्यूज है छोटी छोटी लाइनर्स में लिखे होते हैं कि आई लव दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट, और ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, दिस इज टू गुड प्रोडक्ट करके 3 या 4 लाइनर छोटे छोटे लिखे आते हैं, तो वो सब फेक रिव्यूज होते हैं.
कोई एक बहुत बड़ा लाइनर लिख देता है, और या फिर अगर बहुत बड़ा लाइनर हो, क्योंकि किसी भी कंज्यूमर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 5 या 6 पेज के प्रोडक्ट का रिव्यू लिखे, ये प्रोडक्ट मेरे को हाँ मिला, राइट अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब अगर वो लिखते गए लिखते गए लिखते गए, तो इसका मतलब है कि उसके पास फुल टाइम है और आप कितने सारे रिव्यू आप उसमें देख पाओगे। तो ये आपको 3 चेक है जो एक कंज्यूमर को देखने चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले। हाँ ये आपकी सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप मतलब ये देखिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जब शॉपिंग की बाढ़ सी आई हुई है, हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हम सब रिव्यू पढ़ते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो हम उसका रिव्यू पढ़ते हैं, रेटिंग देखते हैं, और जो बात अभी अभिषेक जी ने बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने लेवल पर कितने हद तक आप उसको चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ ये रिव्यू फेक है या नहीं है। लेकिन अब सुधीर जी एक बात जरा बताएं सर, कि कई बार ये होता है कि अगर कोई एक नेगेटिव रिव्यू आ गया, नेगेटिव कमेंट आ गया, तो उसके ऊपर इतने ज्यादा पॉजिटिव कमेंट या रिव्यू आ जाते हैं कि वो नेगेटिव वाला जो रिव्यू है वो बिल्कुल दब जाता है, नीचे चला जाता है। क्या ये भी एक सिग्नल है क्या पकड़ने का कि हाँ ये रिव्यू फेक है, उसको दबाया जा रहा है जेन्युइन रिव्यू को? सर देखिए, ये सब डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है कि ये आपका प्रोडक्ट कौन सा लेने जा रहे हो। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट कपड़े हैं या हाउस होल्ड आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना नहीं होता क्योंकि वहाँ बड़े ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये जो 500 1000 रुपए के अंदर की आइटम्स है, वहाँ पे इसका होने का चांस बहुत ज़्यादा है और वहीं पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जूते चप्पल इन सब में होता है, जैसे अच्छा आदिदास का ब्रांड ले लो, नाइके का ब्रांड ले लो, आपको डुप्लीकेट जूते मिलेंगे वहां पे, और उसका अगर आप जाके रिव्यू देखोगे तो बहुत अच्छा रिव्यू मिलेगा आपको, आप वो रिव्यू देख के बाय कर लोगे। सी, ये पूरा ना एक सस्टेन्ड कार्टल है, ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरी पूरी की पूरी टीम्स बैठी हुई हैं जो कि आपसे पैसा चार्ज करके रिव्यूज देती हैं वहां पे, उनका काम ही है रिव्यूज देना ये सारा दिन, और उनको एक्सेस मिलता है तो वो रिव्यू देती हैं। इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म है, इनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि भाई इसको रोका कैसे जाए, राइट इन्हीं को लेना पड़ेगा, जो रिव्यू आता है वो कहां से आ रहा है, जिसने बाय किया उसका रिव्यू है या थर्ड पार्टी रिव्यू दे रही है, कौन रिव्यू दे रहा है, क्या इतना माल सच्ची में बिका है, ये तो ऑडिट किया जा सकता है। अगर आप देख रहे हो कि अभी एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर 2000 रिव्यू हैं, तो अगर आपने ऑडिट किया इनका जाके बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर गवर्नमेंट बोलती है ऑडिटर बिठा दो इनके ऊपर, भाई इतने रिव्यू आ रहे हैं, इतने पॉजिटिव रिव्यू आए चले जा रहे हैं, तो जरा चेक करो माल कितना बिका एक्चुअली, तो पकड़ में आ जाएगा बहुत कुछ इसके अंदर से। तो गवर्नमेंट हैज टू टेक सीरियस स्टेप्स, तो ये चीजें कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि वो नहीं आएंगी। दूसरी चीज, हर एक जब वो आता है आपके पास रिव्यू, उसका एक आईपी एड्रेस साथ में मिलता है, वो अगर सेम आईपी एड्रेस से आ रहा है या सेम सेम रूम से आ रहा है या सेम ऑफिस से आ रहा है, तो आप पकड़े जाओगे कि भाई एक ही ऑफिस से जो है 50 रिव्यू कहां से आ रहे हैं, एक ही ऑफिस में 50 लोगों ने सेम माल खरीदा। तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं, और अपने हमारे पास क्राइम टीम्स काफी अच्छी हैं जो कि साइबर क्राइम पूरा हैंडल करती हैं। ठीक है, एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दिस। अब मिश्रा जी एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये खेल चल रहा है इसको लेकर कोई शक नहीं है, लेकिन आप जरा बताएं कि इसमें हिस्सेदारी किस तरह से होती होगी? क्या जो कंपनियां इस तरह का उत्पाद बना रही हैं वही फेक रिव्यू करवाती होंगी अपने लेवल पे या कराती हैं, या इसमें बड़े पैमाने पर ई कॉमर्स कंपनियां भी शामिल हैं और दोनों की मिलीभगत से ये खेल चलता है? ये सारे मिलीभगत से एक खेल चलता है। यूसी, आपको ये भी बता दें, जैसे कोई भी प्रोडक्ट नया आया है मार्केट में, वो पता लगता है कि वो मार्केट शेयर काफी जल्दी से कैप्चर कर रहा है, तो उनके विरोध में फेक रिव्यूज देने शुरू कर देते हैं लोग, ताकि उस प्रोडक्ट का सेल डाउन हो जाए। तो ये जैसे कहा गया है कि ये टेक्नोलॉजी के थ्रू से आज क्या है कि आपको तुरंत पता लग जाए, जैसे हम यदि कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म में सर्फ कर रहे हैं, हम सपोजिंग एयर टिकट खरीदने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कौन सा कॉम्पिटिटिव फेयर मिलेगा हमको कहाँ पर, तुरंत हमारे पास फोन आने लगते हैं, ईमेल आने लगते हैं ये कहने के लिए कि आप यहाँ से लीजिए, हमसे लीजिए, हमसे लीजिए, उनसे लीजिए। तो ये सारे जो एजेंसीज हैं वो उन लोगों को नियुक्त कर देते हैं जो पुश करता है कि ये प्रोडक्ट लीजिए, और कंज्यूमर कभी कभी लाचार हो जाता है प्राइस फैक्टर को लेकर, जब प्राइस सेंसिटिविटी को लेकर वो कभी कभी बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग भी एज अ कंज्यूमर रिव्यूज देखते हैं, लेकिन पकड़ा जाते हैं जब आप गौर से देखोगे तो, जैसा ये पैनल में भी कहा गया, तो कभी कभी पता लग जाता कि ये एक इम्प्लांटेड रिव्यू है, उसको जबरदस्ती डाला गया है ताकि हमको अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि उसका फीचर्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी बताएंगे कि वो फीचर बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत आपको अच्छा मतलब कंफर्ट देते हैं। तो
सारे लोग एक्चुअली मिलीभगत है, तो इसलिए हमने जो सुझाव आपको दिया है ये केवल एक इंडिपेंडेंट बॉडी इसका जांच कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और सारी डेटा को सामने ला सकता है और खुलासा ला सकता है। तो ये काम है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का, कानूनी उनको हक दिया गया है और उनको इन्वेस्टिगेशन पे और जाना चाहिए। ठीक है सर, लोगों को अब यू नो एक एम्पावरमेंट हो। जी, जो बात आपने कही कि ये मिलीभगत है, मतलब वेंडर्स की भी और ई कॉमर्स कंपनियों की भी, तो अब अभिषेक जी आप जरा बताएं कि ई कॉमर्स कंपनियों को तो रोका जा सकता है, उसको उनको पकड़ना आसान है कि उनको आप मीटिंग में बुला लें, उनको गाइडलाइन दे दें, उनके ऊपर सख्ती बढ़ा दें, लेकिन जो हजारों लाखों वेंडर्स हैं, छोटे छोटे वेंडर्स, और अगर वो अपने लेवल पे फेक रिव्यू के खेल में शामिल हैं, उनको कैसे पकड़ा जाएगा? देखो, उनको पकड़ना मुश्किल तो मुश्किल उसमें उसमें उनको पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग खुद भी एक अगर आपको प्रोडक्ट बाय सेंड कर रहे हैं तो उसके अंदर वो आपको लिखते हैं कि आप अगर मेरे को मेरा प्रोडक्ट में 5-स्टार रिव्यू रेटिंग दोगे तो मैं आपको 10 रुपीज का कैशबैक दूंगा, 15 रुपीज का कैशबैक दूंगा। तो ये जो गाइडलाइंस है जो आपके पैकेट्स में आते हैं, ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कोई भी बड़ी कंपनी है, उनको ये मॉनिटर करना होगा कि ये लोग इस तरह का काम करना बंद करें। क्योंकि हो क्या रहा है, अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है और वो मुझे फोन करके, मेरा फोन नंबर का डेटा मुझे दे रहे हैं वो लोग, और वो मुझे फोन करके बोलते हैं कि आप मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट पे इतना बड़ा डिस्काउंट दूंगा, आप मेरे को 5-स्टार रेटिंग दो, तो एक्चुअली वो मुझे लालच दे रहे हैं, एंड यूजर को लालच दे रहे हैं, जबकि वो प्रोडक्ट खराब भी हुआ, अच्छा भी हुआ, तो कुछ भी हो, पर वो मेरे को लालच दे रहे हैं कि आप इस प्रोडक्ट को 5-स्टार रेटिंग दो। तो वहां पे सबसे पहले बड़ी कंपनियों को, इन वेंडर्स को रोकना पड़ेगा कि आप इस तरह का काम करना बंद कर दें, नहीं तो क्योंकि ये ओपन मार्केट है, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करके किसी को भी डाल सकते हो, तो इनको ट्रेनिंग देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वहां पे अगर इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई तो शायद ये रुक सकता है कुछ हद तक। हाँ ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। अब एक सवाल सुधीर जी आपसे ये होगा कि जो बात इन्होंने बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हाँ इसके मतलब क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप बच भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं कि ये फेक रिव्यू है, और जो फेक रिव्यू करवा रहा है या कर रहा है उनके ऊपर किस तरह से एक्शन लिया जाए। लेकिन अब एक एक सवाल सर ये होता है कि चूंकि एक बड़ा रैकेट है, एक बार जरा आप हमारे दर्शकों को फिर से बता दें ताकि लोग जब शॉपिंग करने जाएं तो उन बातों का ख्याल रखें। सबसे ज्यादा खतरा कहाँ होता है सर फेक रिव्यू का? एक तो आपने बताया कि जो अनब्रांडेड आइटम है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ पर या कहाँ पर ये मामले पाए जाते हैं फेक रिव्यू वाले, किस प्रोडक्ट में, किस तरह के प्रोडक्ट में? जो प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं आपको सब में आपको फेक रिव्यू मिलेगा, समझो 3-4 हजार रुपए के आइटम्स हैं वहां पे इतना नहीं होता, बट जो 2000-1000 रुपए के अंदर के आइटम्स हैं सारे, इनमें आपको फेक रिव्यू ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज उनका काम ही यही है कि डुप्लीकेट बनाना, शर्ट डुप्लीकेट, उसमें साइज कट साइज दे देते हैं, उसके बाद रिव्यू अच्छा लिखवा देते हैं। आप अगर वहां से जीन्स मंगाओगे, आप बोलोगे साइज आपका 38 है, वो आप पहनोगे तो साइज उसका 30 या आपका 36 निकलेगा, तो बहुत सारा गोलमाल है उसमें। फिर आप बोलोगे कहाँ पे मैं इसको रिफंड लेने जाऊं, आप उसको छोड़ देते हो, वो पैसा आपका चला जाता है, बिकॉज रिफंड का भी एक पूरा प्रोसेस है। तो ये पूरी प्लान्ड सिंडिकेट है जो है। और सबसे बड़ी चीज कि आप आपको आप बोलोगे मैं जिंदगी भर ऑनलाइन ही लेता रहूं, तो वो भी बात सही नहीं है। जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको असली चीज का पता चलेगा कि असली चीज की लुक कैसी है, ठीक बात, वो भी आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। चीज बहुत ज्यादा कम में मिल रही है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट तो जरूर होगा। चलो भी दिवाली का टाइम है, होली का टाइम है, मिल रही है तो चलो समझ में भी आती है बात कि स्टॉक आउट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ये, ठीक है। और सारा साल अगर वो डिस्काउंट लगा के बैठे हैं 30%, 40%, तो आप समझदार हो कि इसको आपको आपको ध्यान से लेना है इसको। ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए जिससे कि आप फेक रिव्यू के जाल से बच सकते हैं, बाहर रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका, अभिषेक जी आपका और बिजॉन मिश्रा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि कैसे आप फेक रिव्यू को पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं और उससे आप बच सकते हैं।